So hello everyone. This is the first time I'm coming to Poem and Kahaniya, and I have to say it's a great experience. And अभी ये second wave था corona का, तो सबकी तरह हमने भी सोचा था कि we never got corona because taking so many precautions. But my whole family got corona, and my father was so sick, but he came back. So पापा को हमेशा देखा है नॉर्मल रहते हुए, कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते. वी ऑल हैव सीन दे नेवर टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स. सो बट हमने पापा को हमेशा बोला कि मतलब ही राइट्स ऑलवेज. तो उन्होंने पोएम लिखा था, एंड वो भी उन्होंने दिखाया नहीं था. आई जस्ट सॉ एंड आई फेल्ट इट कि बहुत डीप था, तो आई थॉट टू शेयर इट. सो हियर इट इज. कोई कोरोना कहता है, कोई फीवर समझता है, मगर इसकी हकीकत को तो बस रोगी समझता है. दुनिया में फैली है ये बनकर के महामारी, सारे विश्व ने माना भयंकर है ये बीमारी. जो बच गया इससे वह कुछ नहीं समझता. फॉर फ्यू पीपल इट इज लाइक नथिंग इवन लिसनिंग, बट व्हेन यू गो इन हॉस्पिटल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड एक्सपीरियंस व्हिच द पर्सन हैव. दुनिया में फैली है बनकर के महामारी, सारे विश्व ने माना भयंकर है ये बीमारी. जो बच गया इससे वह कुछ नहीं समझता है, मगर जो भी खास थे अपने नहीं वो पास आते थे. ना कोई खैरियत पूछे, ना मिलने को कोई आते हैं, अकेलेपन की पीड़ा को नहीं कोई समझता है. अकेलेपन की पीड़ा को नहीं कोई समझता है. मरीज कोरोना का जब हॉस्पिटल में जाता है, अनदेखी वहां होती ना कोई पास आता है. दिशा निर्देश हुकूमत के ना कोई कुछ समझता है. सो देयर आर पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल्स एंड एवरीवन इज रनिंग लाइक दैट. सो दिशा निर्देश हुकूमत के ना कोई कुछ समझता है, मगर मुसीबत सांस लेने में अकेला ही धड़कता है. ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसका दिल धड़कता है, टूटी जिंदगी की डोर अब तो ये समझता है. मगर धन दौलत रुपया पैसा दबाना काम आती है, असर होता दुआओं का वही बस काम आती है. असर होता दुआओं का वही बस काम आती है. हर रूह के कर्मों को ईश्वर समझता है, हर रूह के कर्मों को ईश्वर समझता है, मगर इसकी हकीकत को बस रोगी समझता है. So this is it.